हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज अपने किचन में कैसे सरसों का तेल यूज़ करती हूँ या उसे कैसे मैं लाती हूँ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं अपने किचन में किस तरीके का सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। समथिंग 1 क्विंटल सरसों है आज इसे मैं फिरवाने लाई हूँ। कुछ सरसों पीली हैं और थोड़ी सरसों काली है। इसे आप मार्केट से भी ले सकते हैं लेकिन ये मेरे खेत की है। इसमें किसी भी प्रकार की तेल जब पिसता है तो किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा तेल पिसते समय। बहुत अच्छी तरीके से ये साफ कर रहे हैं। और इसी बर्तन में हमारा तेल निकलेगा बिल्कुल बहुत ही फ्रेश और बिना मिलावट के। चक्की का प्लांट लगाया हुआ है, काफी चक्कियां इनके पास हैं। आटा भी पीसने वाली है और चावल भी, चावल वाली चक्की भी है जिसे चावल निकालते हैं, तेल की चक्की। हम लोग यही फिरवाने आते हैं। ये बरावन गांव पड़ता है आई एम रोड के पास में। ये देखिए पीली सरसों का भी तेल निकल रहा है। सरसों फिर चुकी है, काली वाली सरसों फिर उठती रहेगी।
सरसों का तेल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम अपने किचन में ये तेल यूज़, शुद्ध सरसों का तेल बिल्कुल बनके रेडी हो गया है और इसी तरीके से मैं अपने किचन में तेल यूज़ करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। दो दिन हो चुके हैं, काइट नीचे बैठ चुकी है और तेल हम यूज़ कर सकते हैं अब इसे। ये बहुत ही शुद्ध और प्योर सरसों का तेल है, इसी तरीके से आप इस्तेमाल करें और बच्चों को इसी तरीके से पोषण दें।